हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आई एस क्लासरूम प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको मॉडल आंसर राइटिंग सिखाता हूं क्यों क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जीएस पेपर वन टू थ्री फोर वहां आपके 120 प्लस नहीं आ रहे मैं आपको 120 प्लस के योग्य बनाना चाहता हूं मुश्किल सिखाना चाहता हूं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जल्दी नहीं करनी आपके पास सात आठ मिनट होते हैं बस उसके लिए बेटर यही है कि हम स्टैटिक और करंट स्टैटिक से पॉइंट वाइज और करंट जो है न्यूज पेपर से इस तरह का कॉम्बिनेशन उठाए कि मान लिया बीस क्वेश्चन आ गए कम से तो तो कम पंद्रह क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जैसे मैं आज बता रहा हूं आपको एक सौ तीस भी आ सकते हैं एग्जामिनर मार्क्स देना चाहता है लेकिन हम जो है एग्जामिनर की पेपर सेटर जो होता है ना एग्जामिनर उसके हिसाब से नहीं लिखते वो क्या चाहता है हम अपनी मर्जी से लिखते हैं और मान लिया क्वेश्चन आ गया आपके जीएस पेपर आगे में दस से ज्यादा आप ठीक नहीं कर पाओगे बाकी तो बस लिख दिया कुछ ही लिख दिया नहीं उसमें आपके सत्तर अस्सी नंबर ही आएंगे इसलिए देखा मैंने टॉपर के भी नाइनटी नंबर आ रहे हैं नाइन्टी मार्क्स आउट ऑफ टू फिफ्टी जीएस में एक पेपर में क्यों क्योंकि मॉडल आंसर नहीं लिखेगा पहले से तैयारी नहीं की हम इतने नहीं कर सकते हैं कि पहले से तैयार नहीं और एग्जाम में जो है सात आठ मिनट में सोच भी लें अरेंज भी कर लें लिख भी दें ऐसा नहीं हो सकता पहले हम डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ मतलब क्वेश्चन कर लें पॉइंट वाइज मेन आंसर राइटिंग मेन आंसर राइटिंग में आज हम टॉपिक लेते हैं ऑयल पोल्यूशन एंड इट्स इम्पेक्ट्स ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है जो 2023 में आया है अब यह क्वेश्चन मैं इसलिए उठा के ले ये सबसे आसान क्वेश्चन है इसमें दस में से आपके आराम से सात नंबर आ सकते हैं मेरी तरह से लिखोगे क्वेश्चन देखिए वट इज ऑयल पॉल्यूशन वट आर इट्स इंपेक्ट्स ऑन मैराइन इकोसिस्टम इन वट वे इज द ऑयल पॉल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया देखो ऑयल पोल्यूशन का मान लिया दो नंबर का हो गया ठीक है ना इंपैक्ट हो सकता है इसमें चार नंबर कर दे और ऑयल पोल्यूशन इंडिया के लिए क्या कैसे हार्मफुल है वो तीन नंबर का चार का कर दे मतलब एग्जाम ये ऑब्जेक्टिविटी से चल रहा है तीन इसमें जो ना पार्ट्स बन गए तीन पार्ट्स में लगा लो तो तीनों को बढ़िया ढंग से लिखो आपके सात नंबर आएंगे क्यों तो नहीं आएंगे एक तो क्वेश्चन को तीन चार बार आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर उसको सब पार्ट्स में जो ना भाई तेल प्रदूषण को अलग कर लिया ठीक है ना फिर इसके इंपैक्ट एग्जाम्पल न्यूज पेपर से लेटेस्ट 2023-24 के दो साल के तीन साल के एग्जाम्पल देने आपने फिर जो है अब इस क्वेश्चन में तीन सब पार्ट हो गया आपको पता सब क्वेश्चन तीन बन गए तीनों को ढंग से लेना है बराबर ढंग से बड़े इंटेलिजेंट वे से ताकि किसी में भी आधा नंबर ना कट जाए अब स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑयल पोल्यूशन ऑयल पोल्यूशन की रिलीज ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली मेरा इकोसिस्टम इतनी बढ़िया डेफिनेशन है, है छोटी सी डेफिनेशन है हो गए दो नंबर पक्के आपके फिर इसको तो सपोर्ट कर दिया आपने दिश क्या करिए कैसे कर होती है थ्रू वेरियस बीस इंक्लूडिंग ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंक ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑक्सीडेंट्स लीक्स फ्रॉम पाइपलाइंस एंड ऑपरेशनल डिस्चार्जेस फ्रॉम शिप्स चार पॉइंट आगे इसके अंदर सेकंड में एग्जाम इसमें भी देगा आपको एक नंबर आराम से अब इंपैक्ट ऑन मैराइन इकोसिस्टम ये मान लिया आपका चार नंबर का है मैंने वन कर दिया दो नंबर का तो ये कर दिया

पॉपुलेशन उससे खत्म हो जाती है और जो उस पर और डिपेंडेंट है वो भी खत्म हो जाएंगे ऑयल कोर्स द बॉडीज ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स सच एज बर्ड्स मैमल्स एंड इनवर्टी ब्रेड्स इम्पेयरिंग देयर मोबिलिटी बॉयसी एंड इंसुलेशन उन पर चढ़ जाती है ऑयल की और पे उनकी मोबिलिटी सारी रुक जाती है सब सिस्टम अब इम्पैक्ट ऑफ मैराइन इकोसिस्टम टू अब ये देखिए अब एग्जांपल भी कितने इंपॉर्टेंट हैं कोरल रीफ्स मैंग्रोव्स एंड सीग्रास बेड्स कैन बी फिजिकली स्मोदर्ड बाय ऑयल लीडिंग टू हैबिटेट लॉस फॉर मैनी मैरीन स्पीशीज जब समुद्रिंग हो जाएगी ऑयल की उनके ऊपर तो क्या होगा जा बहुत सारे मैरीन स्पीशीज इन पर डिपेंडेंट है उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगी सनलाइट पेनिट्रेशन बंद हो जाएगी ऑयल स्पिल से इनटू वाटर फोटोसिंथेसिस बंद होने से क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा नहीं ऑक्सीजन कहां से मिलेगी मैराइन फाइटोपलेंटोन को जो ऑक्सीजन है वो भी चाहिए ना दूसरे एनिमल्स को उस पर जो डिपेंडेंट है दूसरे बायोटा लोअर फाइटोप्लैंकटन एक्टिविटी रिड्यूसेस ऑक्सीजन प्रोडक्शन अफेक्टिंग ऑल एरोबिक लाइफ एरोबिक जो सांस लेना है जिन्होंने उनको वो देखते हैं जो फाइटोप्लैंकटन जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे

हमें जो है ज्यादा स्कोर लेना है तो लेटेस्ट एग्जाम्पल देने पड़ेगा बताता हूँ रोजाना ये एग्जाम्पल आपके काम आएगा अपटी हेक्टेयर ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ड्यूरिंग साइक्लोन माइचोम इन अर्ली दिसंबर ट्वेंटी थ्री इम्पेक्टेड फिशरीज लिवलीहुड ऑफ लोकल पीपल एंड मेरा इन लाइफ वेरी स्पीसीज सच एज पेलीक अब इसके मैंने बहुत सारे आपको तो जो है दो में दिसंबर में एमसी क्यू बना के दिए वो जो स्टेटमेंट दिए मैंने करेक्ट स्टेटमेंट उनको यहां लिख दो सिंपल फिर क्या क्या नुकसान हुआ है क्या इफेक्ट पड़ेगा सारा लिखा है मैंने उसमें वो जो मैं पांच हजार स्टेटमेंट आपको दूंगा ना करंट अफेयर्स के वो आपके जीएस पेपर वन टू थ्री फोर और एस से और एम उसमें तो काम आएंगे पर्लिप में तो तीस क्वेश्चन आने आने आपके अब दूसरा जो है ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह से मैप के थ्रू कवर किया है ऑयल स्पिलिंग ट्रीनी डाइड एंड टोबैगो इंपेक्टेड कैरिबियन सी एंड मेराइन इको सिस्टम बेडली। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है ये जो है ट्रीनी डैड एंड टोबैगो यहां पर ऑयल स्पिल हुआ मेराइन इको सिस्टम बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है उनकी इकोनॉमी अफेक्ट हुई है हाउ ऑयल पोल्यूशन पर्टिक्यूलर हार्मे कंट्री लाइक इंडिया ये थर्ड पार्ट ले रहे हैं हम हमने तीन क्वेश्चन बना दिया इसके सब पार्ट में तब मार्क्स आएंगे अब इसमें देखिए विद ए कोस्ट लाइन ऑफ ओवर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर इंडिया इज हाईली वेबल टू ऑयलशन ऑयल पॉल्यूशन फ्रॉम मैरी टाइम ट्रैफिक ऑफो ड्रिलिंग एंड नेचुरल शिपेज हमने तीन कारण भी दे दिया साथ में इंडिया के यहां यहां हो सकता है

हाउ इट इम्पेक्ट इंडिया ये मैंने जो है सेकेंड पार्ट दे दिया कोस्टल टूरिज्मिक कॉन्ट्रीब्यूटर सफर फ्रॉम दफ्ट होती है वहां पर कभी नहीं जाएगा. हमारा फॉरन एक्स हमारा जो है स्टेट की इकोनॉमी इफेक्ट होगी इंडिया मेराइन इकोसिस्टम हार्बर यूनिक एंड डेंजर स्पीसीज सच एज ओलिव रिडलेट अर्टल्स विच आर पर्टिकुलरलीबर ड्यूरिंग ने जब नेस्टिंग होती है उड़ीसा में आंध्रा में वहां पे सरकार जो है फेंसिंग कर देती है यदि वहां ऑयल स्पिलिंग होगी तो सारे जो है ये मर जाएंगे इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इफेक्टिवली मैनेज मिट एंड मिटिगेट ऑयल स्पिल इंसिडेंट इन इंडिया हैज वाइब्रेंट कोरल रीफ्स ऑफ अंडमान इन निकोबार आइलैंड व्हिच फेसेस ग्रेव थ्रेट्स फ्रॉम ऑयल पॉल्यूशन तो प्यारे विद्यार्थी हो यह मेरा मॉडल आंसर है पी वाई क्यू का पिछले साल का ऐसे में पिछले साल के भी और इस बार के भी कम से कम सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन भी आ जाती है एक दो दिन प्रॉब्लम लेकिन मैं आपसे ज्यादा जो है बड़ा चैलेंज स्वीकार कर रहा हूं पी वाई क्यू ताकि आपको पता चल जाए पिछले साल आपने दिया है तो क्या लिख के आए हो और जो मैंने क्वेश्चन सौ डेढ़ सौ बना रखे हैं उनके सबके आंसर लिखने हैं हमने मिलजुल के तो क्योंकि उनमें से कई क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग हो सकती है मैंने जो स्ट्रक्चर किया है हो सकता है दूसरी तरह से ऑल स्पेलिंग स्ट्रक्चर कर दे लेकिन आंसर यही होंगे और आप देखिए हर एक में कितने दो तो एग्जाम्पल दे दिए हमने फिर आगे भी देखिए इंपैक्ट इंडिया का जो है इंडिया पे क्या पड़ेगा वो तो किस तरह से हमने पॉइंट दिए हो सकता है इसमें साढ़े सात आठ भी आ जाए आप

130, सौ तीस एक सौ चालीस एक सौ पचास तक आ सकते हैं एग्जामिनर आपको नंबर देगा मैंने लिए हैं मेन में मेरे जो है थ्री हंड्रेड में से वन सेवेंटी सेवन थे जीएस पेपर टू में एटी थ्री में फर्स्ट चांस में इसलिए आप मॉडल आंसर्स के लिए करंट अफेयर्स के लिए ताकि आपके जो है एटी परसेंट करंट अफेयर तो ठीक हो जाए जाएस में और के के लिए के लिए मॉक टेस्ट तैयार मैं अभी से शुरू कर दूंगा ताकि आपको यह पता चल जाए भी, मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी का, का, का एनवायरमेंट के वो क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है और आप एनसीईआरटी को बहुत क्रिटिकली पढ़ो आप क्रिटिकली नोट्स नहीं बना रहे शुरू कर दो यदि 2025 में आपने रैंक लाना है और क्वेश्चन ठीक करने हैं जीएस पेपर वन में में तो आप एनसीआरटी के नोट्स ठीक तरह से क्रिटिकली बढ़ाओ जैसे मैं बताता हूं मैं आपको सभी एग्जाम्पल देके बताऊंगा मैं एनसीआरटी परचेज करके ला रहा हूं ज्योग्राफी के पॉलिटी के सारे आंसर बताऊंगा आपने जो है कैसे निकालने एग्जाम्पल कैसे निकालेगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर